नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में और मासिक राशिफल जून 2020 के इस एपिसोड में। जून 2020 में आपको दो ग्रहण देखने पड़ेंगे। 5 जून 2020 को होगा चंद्र ग्रहण और 21 जून 2020 को होगा सूर्य ग्रहण। जो चंद्र ग्रहण है वो अनुराधा नक्षत्र में वृश्चिक राशि में होगा और सूर्य ग्रहण मिथुन राशि में घटित होगा, इसलिए इन दो राशि वालों व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा सावधानी, बहुत ज़्यादा उपाय करने की आवश्यकता रहेगी। उपाय करने का मतलब है जो भी आपके इष्ट हैं उनका नाम जपें, जो भी ग्रह से संबंधित है वो दान देने का प्रयास करें, अर्थात जब चंद्र ग्रहण हो तो ज्वार और चावल का दान दिया जाता है, सूर्य ग्रहण हो जब गेहूँ गुड़ या तांबे का दान दिया जाता है, जो भी आपके सामर्थ्य हो उतना दान देने का प्रयास करें। जून माह में 5 ग्रह निरंतर वक्री रहेंगे, उसमें से 18 जून 2020 को बुध भी जब वक्री हो जाएंगे तो 6 ग्रह एक साथ में वक्री हो जाएंगे, तब इस देश में और साथ ही साथ पूरे विश्व के पटल पर कुछ न कुछ तो भयानक, कुछ न कुछ तो बड़ा घटित होने की संभावना है। वो संभावना हो सकती है या तो भूकंप को लेकर के और या सुनामी को लेकर के। जून माह में भूकंप की संभावना अधिक है, स्पेशली नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में। अब नॉर्थ में या ईस्ट में चाइना भी आता है, हिमालय का तराई क्षेत्र भी आता है, इसलिए यहाँ पर ऐसी संभावना है, ज्योतिष संभावना का विज्ञान है, इसलिए ऐसी संभावना है कि बड़ा भूकंप देखने का अवसर आने वाला है इन ग्रहों की परिस्थितियों की वजह से, इन दो ग्रहण की वजह से। तो इन दो ग्रहों का या दो ग्रहण का इम्पैक्ट आपकी राशि पर क्या पड़ेगा और साथ साथ में 6 ग्रह जो वक्री होंगे उनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, यह सब हमने आपके राशिफल में इंक्लूड किया है, समायोजित किया है। इस राशिफल का भी हमने ध्यान दिया है आपके राशिफल बोलने वाले उपायों में, या जो मैं राशिफल बोलूंगा उसमें इसका इम्पैक्ट भी शामिल रहेगा। आइए अब बात करते हैं जून 2020 के राशिफल की। हर राशिफल में हम बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं, उसमें सबसे पहला सेक्टर होता है इनकम और इसके साथ में जुड़ा हुआ वो है इन्वेस्टमेंट या धन और संपत्ति। तो जहां तक इनकम की बात है, राशि से 11th हाउस से आपका इनकम एप्रिसिएशन वृद्धि बोल दीजिए, थैंक यू बोल दीजिए, या कोई भी जो आपने काम किया है उसका भुगतान बोल दीजिए, सैलरी बोल दीजिए, यह सब गेन है। इस गेन भाव का अधिपति चंद्रमा है और इस भाव पर जो दृष्टियां पड़ रही है, दो ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, एक है शनि और दूसरे हैं बृहस्पति। बृहस्पति की यहां पर उच्च भाव पर दृष्टि है और शनि की शत्रु भाव पर दृष्टि है। ऐसी स्थिति में इनकम तो आपको होगी और भरपूर होगी, लेकिन संघर्ष के साथ में होगी, कुछ न कुछ आनाकानी के साथ में होगी। काम आपने आज किया उसका भुगतान आपको 2 दिन बाद में होगा, या जितना आपने काम किया है उतना नहीं हो करके 90% ही हो, अर्थात कुछ न कुछ संघर्ष, कुछ न कुछ असंतोष के साथ में काम होगा, लेकिन फिर भी इनकम आपकी प्रॉपर में भरपूर होती रहेगी और साथ में उस इनकम का एक बड़ा हिस्सा आपको वापस कर्ज के रूप में चुकाना पड़ेगा। जो आपने पैसा बोरो किया है, जो आपने पैसा लोन लिया हुआ है, चाहे वो लोगों से लिया हुआ है, चाहे घर से लिया हुआ है और चाहे रिश्तेदारों से लिया हुआ है, वो जो पैसा आपने लोन लिया वो भी चुकाने में हद से ज़्यादा आपकी इनकम का भाग खर्च होगा। और ये इनकम ऐसे वस्तुओं से ज़्यादा होगी जो लिक्विड में है, चाहे वो दूध हो सकता है, चाहे वो पानी हो सकता है, चाहे वो लिक्विड में केमिकल्स हो सकते हैं, शराब वाली चीज़ें हो सकती है, दवाइयाँ हो सकती है, इत्र हो सकते हैं, परफ्यूम हो सकते हैं, और या फिर घर में साफ सफाई या सैनिटाइजेशन करने वाले जो भी लिक्विड होते हैं, जो भी केमिकल्स होते हैं, उनकी वजह से आपकी कमाई बढ़ेगी। अतः जलीय पदार्थों से आपकी कमाई का ज़्यादा हिस्सा आएगा। राशि से 11th हाउस में कर्क राशि, कर्क राशि का मतलब जल है और साथ ही साथ वो जो दिशा है उत्तर दिशा है, इसलिए आपका जो काम का भाग है, जो भी दिशा है उसमें नॉर्थ सबसे ज़्यादा आपको पे करेगी, सबसे ज़्यादा गेन देगी। बृहस्पति की उच्च की दृष्टि है, ऐसी स्थिति में बृहस्पति स्टेशनरी से, धार्मिक साहित्य से, आध्यात्मिक गतिविधियों से, यूटेंसिल से, एजुकेशन से, इन स्थितियों से भी बहुत ज़्यादा पैसा देगा, बहुत ज़्यादा गेन देगा यदि आप इन क्षेत्रों का काम करते हैं। तो शनि राशि से 5th हाउस में है, 6th हाउस के भी लॉर्ड है, लेकिन राशि से 5th हाउस में शनि को शुभ नहीं माना जाता है, यहाँ पे वो फाइनेंशियल क्राइसिस करता है। इससे ठीक पहले शनि की ढैया होती है, राशि से 4th शनि, वो आप देख चुके हैं,
26 जनवरी 2017 से लगा करके 24 जनवरी 2020 तक और 24 जनवरी 2020 से जो स्थितियां चल रही है 17 जनवरी 2023 तक, इसके बीच में सिर्फ 3 या 4 माह तक शनि आगे चले जाएंगे, कुंभ राशि में चले जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे, वो होगा लगभग जुलाई 2022 में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा समय तक नहीं है, इसलिए मैंने 17 जनवरी 2023 बोला है। तो राशि से फिफ्थ हाउस में आया हुआ शनि फाइनेंशियली संतुष्ट नहीं करता है। जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपका काम काज है, इससे पहले शनि की ढैया थी उसमें आप हैरेस थे, परेशान थे, मेंटली स्ट्रेस थे, आपके ऑब्स्टिकल्स बहुत थे, फिर भी आप कमा रहे थे। यहाँ पे आपके एफर्ट उतने ही है, उल्टा आप ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, फिर भी संतुष्टि नहीं हो पा रही है, क्योंकि शनि राशि से फिफ्थ हाउस में है और उसकी दृष्टि 11th हाउस पे है, गेन स्थान पर। शनि की दृष्टि जहाँ पर होती है, कहा जाता है कि वहाँ पर कुछ बाकी नहीं बचता है, अर्थात फसल में जो आग लग जाती है उसके बाद पीछे क्या होता है, पीछे क्या बचता है, कुछ भी नहीं बचता है। जानवरों के खाने के लिए घास जो होती है ना, वो भी नहीं बचती है। वो स्थिति शनि की दृष्टियों के कारण होती है, लेकिन बृहस्पति बचाव कर रहा है, क्योंकि बृहस्पति की उच्च की राशि है, बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं, उनकी जो दृष्टि है उसका कमाल आपको देखना होगा, और साथ साथ में शनि की जो दृष्टि है वो आपको डिस्टर्ब भी करेगी और आपकी कमाई का एक हिस्सा प्रॉब्लम के रूप में भी सामने आएगा। इसलिए कितना मेंटली प्रिपेयर होकर के काम करते हैं, कितना मेंटली प्रिपेयर होकर के अपने जो लॉसेज है उनको बचा पाते हैं, ये आपके हिस्से में आपके दिमाग का कमाल देखना पड़ेगा। आइए अब इसी सेक्टर में साथ में दूसरी कड़ी, वह है धन और संपत्ति। सेकंड हाउस धन और संपत्ति के लिए, संचय के लिए, खानदान के लिए, ससुराल के धन के लिए और अपनी वाणी के लिए मशहूर है, और साथ साथ में ब्रेन पावर के लिए, स्मरण शक्ति के लिए मशहूर है। तो राशि से सेकंड हाउस पर शनि की तो दृष्टि है ही है, इस भाव के अधिपति शुक्र है जो कि स्वग्रही है, भाग्य से संबंध जोड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में इन्वेस्टमेंट आप जो भी करेंगे वो भी आपको फलेंगे, क्योंकि बृहस्पति की जो दृष्टि है भाग्य भाव पर भी है, शुक्र पर भी है, 11th हाउस गेन पर भी है और आपकी राशि पर भी है। और बृहस्पति जिस भाव को भी देखते हैं, चाहे वो शत्रु भाव ही हो, वहाँ पर भी भलाई करते हैं, क्योंकि जो कुछ भी समाज को ज्ञान देना होता है वह साधु लोग, वह जो आपके टीचर्स हैं वो देते हैं। टीचर्स हमेशा आप देख लीजिए वो सेक्रीफाइस करता हुआ ही मिलेगा, लेकिन उनके स्टूडेंट्स करोड़पति बन जाते हैं, अरबपति बन जाते हैं। जो आपको भागवत कथा सुनाते हैं, राम कथा सुनाते हैं, आपके लिए भजन करते हैं, आपके लिए पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, या आपके लिए हवन कीर्तन करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उनकी स्थिति देख लीजिए और आपकी स्थिति देख लीजिए। आपको उनका फल मिल जाता है, जो भी वो कर्म है वो लोग कर रहे हैं उसका फल आपको मिल जाता है, लेकिन उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा नहीं बदलती, क्योंकि वो हमेशा देने का प्रयास करते हैं। जो समाज को देने का नाम है वो बृहस्पति है, क्योंकि बृहस्पति का मतलब देवताओं का गुरु है, वो बृहस्पति है। वो जहाँ बैठते हैं अपना भला नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ देखते हैं वहाँ सब कुछ भला करते हैं, वहाँ सब कुछ शुभ करते हैं, वहाँ सब कुछ अच्छा करते हैं, इसीलिए बृहस्पति को सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। और बृहस्पति देवताओं के मंत्रिमंडल है, उसमें मंत्री माने जाते हैं। तो राशि से भाग्य भाव में बैठा हुआ शुक्र भी सेकेंड हाउस का लॉर्ड है, ऐसी स्थिति में जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स होंगे वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपको सहयोग करेंगे, गेन की स्थिति में होंगे, लेकिन शनि की जो दृष्टि है वो बाधित भी करेगी। ऐसी स्थिति में आप शनि से संबंधित जो भी शेयर्स हैं, जो भी लिक्विडिटी है, उस पर ट्रेडिंग मत कीजिए, उस पर स्पेकुलेशन मत कीजिए, दूसरी चीज़ें ले लीजिए। ठीक, फॉर एग्जाम्पल बुध यहाँ पर अच्छा है, बुध राशि का अधिपति भी है और साथ में बुध केंद्र में भी है, जो कि भद्र महापुरुष नामक योग बना रहा है, वो शुभ है, आप उसका फायदा उठा सकते हैं। अतः जो भी टेक्निकल स्थिति से संबंधित है, जो भी टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित है, म्यूजिक इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उस पर आप शेयर्स, उस पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे इक्विपमेंट पर इन्वेस्टमेंट करें, चाहे स्टूडियो पर इन्वेस्टमेंट करें, और चाहे किसी पर्सन पर इन्वेस्टमेंट करें कि वो उसमें कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, उसमें फ्यूचर बहुत अच्छा है, तो आपके काम आएगा। और यदि आप शेयर में, लॉटरी में, स्पेकुलेशन में, कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ऐसी स्थिति में बुध से संबंधित जो भी कंपनी के शेयर हैं उसका काम कर सकते हैं। फैशन से संबंधित जो भी कोई कंपनियां, न्यूज़ एजेंसी वाली जो कंपनियां हैं, चाहे टीवी वाली कंपनियां हैं, उस पर, या कोई ऐसी कंपनी जो बॉलीवुड में पिक्चर्स बनाती है उस पर, वॉल्ट डिज्नी इसमें से एक है, उस पर, ऐसे स्क्रिप्ट्स पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। बहुत सारे चैनल्स हैं, उनके भी अपने शेयर्स आए हुए हैं, जी टी वी के शेयर्स हैं,
ठीक, आप उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कहने का अर्थ है शुक्र से संबंधित जो भी स्क्रिप्ट आपको मिलती है उसका भविष्य इस समय काल में जून और जुलाई में काफी मजबूत है, क्योंकि 31 जुलाई तक शुक्र यहीं रहेंगे, इसका फायदा आप उठा सकते हैं। शनि मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इन चीजों से आप दूर रहेंगे तो आपको नुकसान होने की संभावनाएं कम रहेगी, वरना आप जिसमें पोटेंशियल देख करके इन्वेस्टमेंट करेंगे वही स्क्रिप्ट आपको धोखा दे सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। और शनि की दृष्टि के कारण पारिवारिक संपत्ति में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, विवाद खड़ा हो सकता है, वो ध्यान रखिएगा। अगर ऐसी कोई बातचीत चलती है घर में तो उस चीज़ से अपने आप को दूर रखिएगा। अगर कोई दूसरा उस संपत्ति को उठाना चाहता है उठाने दीजिए, आप इन स्थितियों से दूर रहेंगे आपका ही भला होगा। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है परिवार का सुख। राशि से फोर्थ हाउस सुख का है, परिवार का है, घर का है। सारे दिन आप मेहनत कर लीजिए, अंत में रात को 12 बजे भी आपको याद तो घर ही आता है। जो व्यक्ति रोजाना इधर से उधर सर्विस के लिए जाते हैं, काम धंधे के लिए जाते हैं, रोज 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, अल्टीमेटली रात को चाहे लेट नाइट ही हो वापस घर पे आते हैं। घर सुख का नाम है, घर का जब बात करते हैं घर इज इक्वल टू सुख होता है। जो भी स्थितियां आपको सुख दे उनका संबंध घर से होता है। घर का सुख, शरीर का सुख, माता पिता का सुख, संतान का सुख, पत्नी का सुख, ये सारे सुख जो हैं वो घर से रिलेटेड हैं, घर से संबंधित हैं। इसलिए राशि से फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस का मतलब है आपका मन, आपका दिल। और दिल सुखी जब ही होता है, दिल प्रसन्न जब ही होता है जब उससे जो स्थितियां हैं वो जो सिचुएशन है कंफर्टेबल मिले। कौन ऐसा व्यक्ति जो घर में आते ही लड़ाई झगड़ा होगा, उसको मालूम है घर में मेरे पैर रखते ही लड़ाई झगड़ा होने वाला है, नहीं आएगा कोई भी आदमी घर पे। तो सुख शब्द की जहां बात आती है तो फोर्थ हाउस है, और फोर्थ हाउस में केतु विराजमान है, इसलिए आप जरूर से ज्यादा घर वालों के लिए मेहनत करेंगे, उनकी सुख सुविधाओं का प्रयास करेंगे, सुख सुविधाओं के लिए परचेजिंग करेंगे, चाहे वो एसी हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो मकान हो, और चाहे वो इंटीरियर का साधन हो, और चाहे वो और कुछ आपको खरीदना हो सुख सुविधाओं के लिए। फोर्थ हाउस का लॉर्ड अर्थात राशि से फोर्थ हाउस जो है सुख भाव का अधिपति वह है बृहस्पति, और बृहस्पति इस समय राशि से फिफ्थ हाउस में। 30 जून 2020 तक बृहस्पति यहीं रहेंगे, अर्थात ये केंद्र के अधिपति त्रिकोण में रहेंगे, चाहे वो नीच राशि के लेकिन त्रिकोण में बहुत ज्यादा बलवान माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में यह सुख का भाव आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर है, सुख का भाव आपके लिए बहुत ज्यादा सुख देने वाला है। और आने वाले समय में, आने वाले समय का मतलब है 30 जून 2020 को बृहस्पति वापस वक्री रहते हुए ही अपने घर में लौट के आने वाले हैं। तो एक माह आपके लिए और ज़्यादा फायदेमंद है, भाग्य के अनुसार, आपके गेन के लिए और आपकी राशि के लिए। ये जो तीन परिस्थितियाँ हैं बृहस्पति की, सातवीं दृष्टि तो हर कोई ग्रह देता है लेकिन बृहस्पति की दो स्पेशल दृष्टियाँ, एक पाँचवा भाव पर राशि से पांचवी जहां पर वो होते हैं बृहस्पति, वहां से पंचम स्थान पर दृष्टि होती है, और सेकंड दृष्टि जो शुभ होती है या ये बोल सकते हैं स्पेशल दृष्टि है वो राशि से नाइन्थ हाउस पर है। तो एक त्रिकोण में बैठा हुआ बृहस्पति दूसरे त्रिकोण को दृष्टि दे रहा है, और जो तीसरा त्रिकोण है चाहे वो केंद्र मान लीजिए, फर्स्ट हाउस मान लीजिए, लग्न मान लीजिए, त्रिकोण मान लीजिए, उस पर दृष्टि है, और इलेवंथ हाउस पर भी दृष्टि है। तो ये फल, ये शुभ फल आपको मिलता रहेगा 30 जून 2020 तक, उसके बाद में भी बृहस्पति यहां पर और शुभ होने वाले हैं। राशि से फोर्थ हाउस में केतु है, उसका परिणाम आपको क्या मिलेगा ये मैंने बताया है। बृहस्पति फोर्थ हाउस का लॉर्ड शनि के साथ में, इसका क्या कमाल होगा कि यहां पर बृहस्पति भी कुछ परसेंट दूषित होकर के जो घर में पारिवारिक स्थिति है उसमें मतभेद की स्थिति भी पैदा करेगा। आपने देखा होगा बहुत बार कि कोई मेहमान सिर्फ और सिर्फ कुछ घंटे के लिए आता है आपके घर में, और वो ऐसी आग लगा करके जाता है, वो आग की शांति आप कई महीनों तक नहीं कर सकते, वो स्थिति इस महीने में होगी। और आज की तारीख में तो किसी के आने की जरूरत भी नहीं है, फोन कॉल एक ऐसा माध्यम है कि आप कहीं विदेश में बैठे बैठे भी किसी के घर में आग लगा सकते हैं। तो ये स्थिति आपके यहां बन सकती है, आप इसको किस ढंग से टैकल करेंगे मेंटली प्रिपेयर होकर के, अपने बच्चों को, अपने जीवन साथी को समझा करके रखिए कि ऐसी कोई भी परिस्थिति आए आपने क्लेरिफाई करना है, आपने कुछ भी बोलने से पहले वापस एक बार सलाह मशविरा करना है, बातचीत करनी है, उसके बाद में कोई भी जो भी कदम उठाना है वो कदम उठाएं। भूमि, भवन और वाहन का सुख इसी सेक्टर में दूसरी कड़ी है।
तो राशि से सेकंड हाउस संपत्ति का है, उसमें मैंने आपको बोला है कि इन्वेस्टमेंट में आपको गेन है, सिर्फ शनि से संबंधित कोई भी चीज़ों से आपको बचना है। ठीक यहाँ पर भी ये स्थिति है कि ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी से बचना है जो प्रॉपर्टी बूढ़ी है, अर्थात जिसकी एज बहुत है। मान लीजिए कोई मकान है, आप उसको खरीदना चाहते हैं और वो बहुत समय हो चुके हैं उसको बनने के लिए, अर्थात मान लीजिए वो 30 साल पुराना मकान है, आप उसको लेंगे तो उसके साथ में बहुत सी प्रॉब्लम आपके आएगी। और ठीक इसी के साथ में आपको लीगली भी चलना पड़ेगा, कोई ना कोई लीगली प्रॉब्लम भी उसके साथ चिपकी हुई आप तक आएगी। ये ध्यान में रखते हुए ही आप कोई कदम उठाएं। व्हीकल भी लेना है तो सेकेंड हैंड व्हीकल लेने से इस समय काल में बचिएगा, क्योंकि उसने कहाँ पर कोई पुलिस रिकॉर्ड में उस व्हीकल का नंबर है, वो आज नहीं तो कल आपके गले की हड्डी बन जाएगा, गले की फांस बन जाएगा, वो प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए जितना हो सके ऐसी चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है शिक्षा का क्षेत्र। राशि से फिफ्थ हाउस शिक्षा का है, एजुकेशन का है, और हमारे जीवन में जो किताबी ज्ञान मिलता है वो राशि से फिफ्थ हाउस है। आप बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं, कॉलेज क्यों भेज रहे हैं, क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हैं? क्योंकि वो कुछ सीख जाएंगे, कुछ पढ़ लिख जाएंगे जो कि उन्हें आवश्यकता होगी ज़िंदगी में। बाकी ज़िंदगी जीने के लिए तो प्रैक्टिकल ज्ञान जरूरी है, व्यवहारिक ज्ञान जरूरी है। बहुत सारे लोगों ने जो इंडस्ट्रियाँ लगाई है, बहुत बड़े अरबों का काम किया, वो बिना पढ़े लिखे थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, कोई MBA नहीं किया हुआ था, उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर, दूरदर्शिता के बल पर इंडस्ट्रियाँ खड़ी की है। लेकिन आज हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी संतान बहुत बड़े लेवल पर, क्रीमी लेयर पर ही कोई काम करे, छोटा मोटा बिजनेस नहीं करे, छोटा मोटा कोई जॉब नहीं करे, इसलिए बच्चों को ज़्यादा पढ़ाते हैं, ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। ये गलत नहीं है, लेकिन इसके पीछे बहुत ज़्यादा यदि आप सोच विचार करें तो आपको लगेगा उससे ज़्यादा जो पैसा आपने लगाया वही पैसा उसको इंडस्ट्री लगा करके दे देते तो शायद वो ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकता था, और या उसके साथ में पढ़ सकता, कॉरेस्पोंडेंस कर सकता था। खैर, राशि से फिफ्थ हाउस एजुकेशन का है, इसका अधिपति शनि है जो स्वराशि का है, और यहाँ पर आप देखिए त्रिकोण का अधिपति होकर के इस समय वक्री चल रहे हैं। तो ज्योतिष का एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है कि पापी ग्रह जब वक्री होते हैं तो अति क्रूर हो जाते हैं, और जो सौम्य ग्रह वक्री होते हैं तो अति सौम्य हो जाते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति जो कि नीच राशि के हैं वो वक्री हो रहे हैं, अति सौम्यता का फल देंगे, और शनि यहाँ पर वक्री होकर अति क्रूरता का फल देंगे। तो जो लोग भी मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं या तकनीकी ज्ञान वाले विषयों के स्टूडेंट्स हैं, ठीक, चाहे वो माइनिंग इंजीनियरिंग हो सकती है, भूगर्भ संपत्ति से संबंधित हो सकता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से संबंधित कोई एजेंसी हो सकती है, या कोई काम करने वाले हो सकते हैं, इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट हो सकता है, वो स्ट्रीमलाइन हो सकती है, स्पेशली जो यहाँ पर MD कर रहे हैं उनसे संबंधित है, जो यहाँ पर टेक्निकल से संबंधित जो भी लोग हैं, जो सर्वे इंजीनियर हैं उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों की बात कर रहा हूँ, वो इस समय काल में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल स्थिति में रहेंगे। अब यहीं पर राशि से फिफ्थ हाउस में बृहस्पति भी विराजमान है, ऐसी स्थिति में बृहस्पति के जो सब्जेक्ट्स हैं, फाइनेंस से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, अध्यात्म से रिलेटेड, या कोई कोई टीचर्स ट्रेनिंग से रिलेटेड, अथवा जो BEd करते हैं, MEd करते हैं, या और सारे मतलब कोर्सेज जो हो सकते हैं आज की तारीख में, जो प्रोफेसर बनने के लिए, टीचर्स बनने के लिए, वो सारे कोर्सेज की बात कर रहा हूँ, उससे संबंधित जो भी जातक हैं, जो कन्या राशि के हैं, वो इस समय काल में बहुत ज़्यादा सफल रहेंगे, सपोर्ट हासिल होगा, अतः समय भाग्य उनको सहायता दे रहा है। इसलिए कन्या राशि वाले जातक जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो चाहे कोई भी स्ट्रीम में हो, लेकिन ये जो मैंने 3-4 स्ट्रीम्स बताई है वो तो आपके लिए कमाल करेगी। यदि कोई एग्जाम होने वाले हैं, जो एग्जाम ड्यू हैं, बहुत सारे एग्जाम्स ड्यू हैं, बहुत को तो प्रमोट कर दिया है, आज मनचाही मुराद मिल गई है उन बच्चों को तो, और जिनके एग्जाम नहीं हुए, जो एग्जाम होने वाले हैं, आपका जितना भी टाइम बचा हुआ है आप उसको बहुत अच्छे ढंग से यूज करिए, ताकि ये संभावनाओं के द्वार हैं वो और ज़्यादा खुल जाए। एक द्वार में से रैंक करके जाना पड़ता है, एक द्वार में झुक करके जाना पड़ता है, और एक में शान से आप गुजर जाते हैं। आप वो काम कीजिए कि वो दरवाज़ा सक्सेस का इतना बड़ा खुल जाए कि आप उसमें शान से सर उठा करके गुजर पाएं। मेरी ऐसी इच्छा है, मेरी ऐसी मनसा है कि आप उतनी मेहनत करें ताकि वो दरवाज़ा आपको शान से प्रवेश दे सके। इसी के साथ में इसी सेक्टर में एक और कड़ी है, वह है संतान के सुख की। बृहस्पति संतान का कारक भी है, बृहस्पति संतान भाव में विराजित भी है, ऐसी स्थिति में संतान की सफलता से आप प्रसन्न होंगे,
संतान की सफलता से आप गौरवान्वित होंगे और साथ ही साथ संतान की संतान होने की खुशी, अर्थात या तो आपकी पुत्रवधू गर्भवती हो गई है उसकी सूचना आपको मिले, या आपकी संतान आपकी कन्या गर्भवती हो गई है वो सूचना आपको मिले, या उनकी डिलीवरी ड्यू थी वो हो चुकी है ये सूचना आपको मिले, तो ऐसी स्थिति जून 2020 में घटित होने वाली है। अतः संतान से हर स्थिति में आप सुखी होने वाले, संतान आपको प्रसन्नता देने वाली है। अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह सेक्टर है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का अधिपति शनि है, सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड। चाहे वो रोग हो, चाहे वो कर्ज हो, चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे वो आपसी विवाद हो या कोर्ट कचहरी हो, मारपीट हो, लड़ाई झगड़ा हो, इन सभी स्थितियों के लिए एक प्रकार से अभाव की स्थिति है। जो ही आपकी जीवन में कोई भी कष्ट आता है, कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है, कोर्ट कचहरी होती है, आप कर्ज लेना पड़ता है, बीमारी का नाम आप सुनते हैं, अभाव वाली स्थिति आ जाती है। अब क्या होगा, ये स्थिति आ जाती है, उस भाव का नाम है सिक्स्थ हाउस। तो सिक्स्थ हाउस का अधिपति शनि है, जो कि जो त्रिकोण में स्वराशि में है इसलिए मजबूत है, तो यहाँ पर वो संभावनाएं, रोग से पीड़ित होने वाली संभावनाएं बहुत ज़्यादा कम है। और जो संभावनाएं बचती भी है उसे भी मंगल ने ध्वस्त कर दिया है। राशि से सिक्स्थ हाउस में मंगल को योग्य माना जाता है, मंगल को कारगर माना जाता है नेगेटिव स्थितियों से फाइट करने के लिए। मंगल दो नेगेटिव भाव का स्वामी है, आठवां भाव और आठवें से आठवां, एट्थ हाउस नेगेटिव है, एट्थ हाउस मृत्यु का है, एट्थ हाउस अनएक्सपेक्टेड लॉसेस का है, एक्सीडेंट का है, और ठीक उससे वापस आठवां भाव वो है तीसरा भाव, वो भी सबसे ज़्यादा मारक होता है। इन दोनों मारक भावों का अधिपति मंगल है, जो खुद लॉस भाव में, जो खुद कर्ज भाव में सिक्स्थ हाउस में, अर्थात दो नेगेटिविटी का हनन करने वाला मंगल इकलौता हो गया। जब नेगेटिव का नेगेटिव आप सोचेंगे तो वो पॉजिटिव फल देता है। कोई भी नेगेटिव पर्सन नेगेटिव स्थिति में चला जाए, कोई भी गुंडा है, कोई भी हमारे समाज का कंटक है, हमारे समाज में दुख देने वाला है, वो नेगेटिव स्थिति आता है, जब वही व्यक्ति पुलिस के हत्या चढ़ जाता है तब क्या होता है, तब आपको राहत मिल जाती है। और या फिर उसकी उसकी दुश्मनी उसी जैसे किसी बड़े आदमी से हो जाए तो भी ऐसी स्थिति में उसको डाउन होना पड़ता है। ठीक यही स्थिति यहाँ पर है कि मंगल सिक्स्थ हाउस में रहते हुए भाग्य भाव को राशि से ट्वेल्थ हाउस, जिसको नाश बोला जाता है, अपमान अपयश कोर्ट कचहरी वाद विवाद वहाँ से भी है, उसको देख करके और आपकी राशि को देख करके इन तीनों स्थितियों में मंगल सहायक बन जाता है, सपोर्टिव बन जाता है। ऐसी स्थिति में रोग का, शत्रुओं का सामना नहीं होगा, और यदि कोई छोटा मोटा रोग सामने उभर भी जाता है तो भी हद से हद वो सप्ताह भर के अंदर शांत हो जाएगा, अतः निकल जाएगा, उसको पनपने का मौका नहीं मिलेगा। फिर भी जो लोग वृद्ध हैं, क्योंकि सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड शनि है तो शनि वृद्ध स्थिति वाले, वृद्ध आयु वाले लोगों को ज़्यादा कष्ट दे सकता है, और स्पेशली कौन सा कष्ट देता है, एंजाइम से संबंधित, हार्मोन से संबंधित, जॉइंट्स पेन से संबंधित, और शनि पैरों का है। आज कूल्हे से नीचे जब पांव स्टार्ट होते हैं, आप देखिए घुटनों का जो अधिपति है वो मकर राशि है, उसके बाद में एडी तक कुंभ राशि है, और एडी से लगाकर पूरा पांव मीन राशि है। इसलिए कुंभ राशि घुटने और घुटने से नीचे वाला जो स्थिति है उसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है, सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। इसलिए यदि कोई तकलीफ होगी तो पांव दर्द की तकलीफ होगी, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, साइटिका का दर्द हो सकता है, सेप्टिक हो सकता है, कोई घाव हो सकता है, और जो लोग डायबिटीज़ के मरीज हैं वो स्पेशली ज़्यादा केयर करें। संभावनाएँ बहुत ज़्यादा नकारात्मक नहीं है, संभावनाएँ बहुत ज़्यादा दुख देने वाली नहीं है, फिर भी सेफ्टी में आपका भला ज़्यादा है। रोग और शत्रुओं के लिए मैंने सेम बोला है, न तो शत्रु परेशान करेंगे न रोग परेशान करेंगे, दोनों स्थितियां आपके पक्ष में हैं, इसलिए आप निश्चिंत होकर के जीवन यापन करें, इस ओर से आप निश्चिंत हो जाएं। आइए अब बात करते हैं दाम्पत्य सुख की, गृह सुख की। दाम्पत्य सुख का अधिपति, गृह सुख का अधिपति राशि से सप्तम भाव है, सेवंथ हाउस का लॉर्ड बृहस्पति है, जो इस समय केंद्र का अधिपति होकर के त्रिकोण भाव में है, और साथ ही साथ जहाँ पर वो स्थित है वहाँ पर शनि स्वग्रही है, और शनि की दृष्टि वापस सप्तम भाव पर है, और शनि की तीसरी दृष्टि शुभ बोली गई है। शनि के जब आप दर्शन करने जाते हैं तब कहा जाता है कि शनि को तिरछी नज़र से देखना चाहिए, सामने से दर्शन नहीं करने चाहिए। क्यों? कि शनि की जो तिरछी दृष्टि होती है, तीसरी दृष्टि होती है, वो शुभ मानी जाती है, इसलिए हमेशा शनि के साइड में से उनका दर्शन करके प्रणाम करते हैं।
इसी कारण से शनि की जो तीसरी दृष्टि है सप्तम भाव पर है उसको शुभ कहा गया है। ऐसी स्थिति में भी आपका कल्याण होगा। बृहस्पति यहाँ पर नीच राशि के हैं, वक्री है इसलिए शुभ फल देंगे, क्योंकि सौम्य ग्रह है इसलिए वक्रत्व में और सौम्य हो जाएंगे और ज़्यादा शुभ हो जाएंगे। सुख भाव के अधिपति हैं, त्रिकोण से संबंध जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर सुख और संतान दोनों का अधिपति, दोनों की स्थिति आपके सप्तम भाव के लिए भी, ग्रह सुख और दाम्पत्य सुख दोनों के लिए भी उतनी ही ज़्यादा फायदेमंद स्थिति में आ जाती है। ऐसी स्थिति में ग्रस्त सुख में आपको कुछ भी नकारात्मक, नेगेटिव, कोई भी प्रॉब्लम देखने का, कोई भी प्रॉब्लम फेस करने का रीजन नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जिन्हें शांति पसंद नहीं होती, जो रीजन ढूंढ लेते हैं, उसमें से भी एक आप हो सकते हैं, क्योंकि मंगल जब तक यहां पर है 18 जून 2020 और उसके बाद में मंगल सप्तम भाव में आ जाएंगे, तब तो उनकी सातवीं दृष्टि फिर वापस राशि पर होगी। राशि का मतलब आपकी सोच, आपके विचार, आपका आचरण, यह सब कुछ मंगल आपको उग्र बना देगा, मंगल आपको एक्टिवेट कर देगा। मान लीजिए आपको इक्विपमेंट है, वो स्विच है, स्विच जो ही किसी ने ऑन कर दिया, वहाँ से जो बल्ब है, टेबल लैंप है, तो वो तो अपना प्रकाश देने लग जाएगा, तो आपको तो छेड़ने की जरूरत होगी, बाकी काम आप खुद कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि मंगल अपनी दृष्टि, मंगल जितना आपको नेगेटिविटी से बचा रहा है उतना देख करके। और हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जो भी ज्योतिष के स्टूडेंट हैं, जो भी इस सब्जेक्ट को इंटरेस्ट के साथ में सुन रहे हैं, जो भी अपने जीवन को और ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं, और सिंपल शब्दों में बिना किसी हिचकिचाए हुए, बिना किसी हेज के आप ये मान लीजिए कि आप अपने जीवन को और अच्छा बनाना चाहते हैं, इसलिए एपिसोड देख रहे हैं। मैं भी अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहता हूँ, आप भी अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं। जो यहाँ पर ये कैमरामैन काम कर रहे हैं, मेकअप मैन काम कर रहे हैं, साउंड आर्टिस्ट है, ये सब अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, इसलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करने के लिए सही दिशा मिल जाए, इसलिए ही ज्योतिष है। और ज्योतिष भविष्य में देखने का एक साधन है। जिस ढंग से आप गूगल मैप देख करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक वो ज्योतिष भी वही काम करती है। तो यदि एक्सेप्ट करना पड़े, किसी से बात करनी पड़े, शेयर करना पड़े, तो इंसल्ट फील मत कीजिए कि मैं ये क्या देख रहा हूँ या लोग क्या बोलेंगे। लोग तो बोलते ही रहेंगे, आप अच्छा काम करेंगे तो भी लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे, गलत काम करेंगे तो लोग ज़्यादा बोलेंगे, बोलेंगे तो ज़रूर। और यदि कोई गुंडागर्दी करने लग जाता है तो लोग बोलते नहीं हैं, लेकिन दूसरों को ज़रूर बोलते हैं। ऐसी स्थिति में आप अपने आचार विचार पर संयम रखेंगे, ध्यान रखेंगे, लोग आपको उकसाएंगे कुछ ना कुछ करने के लिए, क्योंकि लोगों को शांति नहीं पसंद आती है। कोई सुखी है वो किसी को पसंद नहीं आएगा, आपने नई गाड़ी ली है किसी को पसंद नहीं आएगा, वो चलते चलते उस पर स्केच मारेंगे, क्योंकि ये आम मनुष्य का स्वभाव है, जिसको द्वेष कहते हैं, जिसको जलन कहते हैं, प्रतिस्पर्धा कहते हैं। और प्रतिस्पर्धा है इसलिए लोग ज़्यादा मेहनत भी करते हैं कि आज आपने ये किया, मैं इससे बड़ा करूं। वो चीज़ अच्छी है, वो करना चाहिए। व्यक्ति को उतना सामर्थ्यवान बनना चाहिए कि दूसरे से जलने की जगह ज़्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर दे। लकीर को मिटाने से आदमी बड़ा नहीं होता है, लकीर के पास में बड़ी लकीर खींचने से आदमी बहुत बड़ा हो जाता है। आइए अब बात करते हैं प्रेम प्रसंगों की। राशि से सप्तम भाव भी जिम्मेदार होता है प्रेम प्रसंगों के लिए, शुक्र भी उसमें सहयोग करता है, और राशि से पंचम भाव मित्रता के लिए होता है। जब तक फ्रेंडशिप नहीं होगी तब तक क्या प्रेम प्रसंग डेवलप होंगे। तो फिफ्थ हाउस का अधिपति शनि है, जो कि स्वराशि का है, अपने त्रिकोण स्थान में है इसलिए बलवान है। शुक्र भाग्य स्थान में है, जो लग्न का अधिपति उसका मित्र भी है, तो ऐसी स्थिति में भाग्य भी सपोर्ट कर रहा है, शुक्र भी सपोर्ट कर रहा है, सप्तम भाव का अधिपति वो भी त्रिकोण में बैठा हुआ है वो भी सपोर्ट कर रहा है, और जो पंचम भाव का अधिपति शनि वो भी सपोर्ट कर रहा है, और उसकी दृष्टि भी सप्तम भाव पर है। ऐसी स्थिति में जो सिंगल है उन्हें भी मिंगल करने का, उन्हें भी कोई न कोई साथी मिल जाएगा हाथ पकड़ने के लिए, इमोशन शेयर करने के लिए। और जिनकी ऑलरेडी कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, कोई बहुत गहरी मित्रता चल रही है, वो इस समय को और ज़्यादा अच्छा अनुकूल बना सकते हैं। यदि आप सीरियस हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तो अपने जो पार्टनर है उसको घर वालों से मिलाइए, सब मिला करके प्रेम प्रसंगों के लिए ये समय काल अच्छा है। जिनके पास में कोई साथी नहीं है बतियाने के लिए, वो भी कहीं न कहीं से उनको भी सपोर्ट भी मिलेगा, अतः भाग्यवशात उनको भी कोई ऐसा साथी मिल जाएगा जो आपके घावों पर मरहम लगाए। आइए बात करते हैं भाग्य के साथ की। तो राशि से नाइन्थ हाउस भाग्य के लिए जिम्मेदार है, नाइन्थ हाउस का अधिपति शुक्र है, वो यहाँ पर स्वराशि में है, वक्री है, सौम्य है, इसलिए वक्रत्व में और ज़्यादा सौम्यता देगा और ज़्यादा शुभता देगा। सूर्य साथ में है राशि से, ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड सूर्य वो साथ में, 14 जून 2020 को सूर्य अगली राशि में पहुँच जाएंगे, तब स्थितियाँ और ज़्यादा बलवान हो जाएगी। तो सब मिला करके
14 जून के बाद में भाग्य का जो परसेंटेज है वो 75% है, उससे पहले आप 50% भाग्य का परसेंटेज मान करके काम कर सकते हैं। अतः भाग्य का साथ आपको इस माह में बहुत अच्छे ढंग से मिलने वाला है। अब बात करते हैं कैरियर की। राशि से 10th हाउस आपके कर्म के लिए, आपके जीवन यापन के लिए, चाहे आप जॉब करें, चाहे बिजनेस करें, चाहे प्रोफेशनल बन जाएं, चाहे आप ज्योतिषी बन जाएं, चाहे पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण बन जाएं, चाहे आप कथावाचक बन जाएं या मंदिर के पुजारी बन जाएं, कोई भी आप काम करें, आप कर्म तो करना ही पड़ेगा। अतः जीवन यापन करने के लिए, जीवन जीने के लिए, रोजगार के लिए आपको कोई ना कोई तो कर्म करना पड़ेगा, और वो कर्म का स्थान राशि से 10th हाउस है, और 10th हाउस का अधिपति बुध है जो कि इस समय स्वग्रही है, और 18 जून 2020 को बुध वक्री हो जाएंगे। जब वक्री हो जाएंगे तो उन 5 ग्रहों के साथ में इकट्ठे होकर के 6 ग्रह वक्री की गिनती बढ़ा देंगे। राशि से 10th हाउस स्पेशली मैंने बताया कर्म के लिए, और वहां पर बुध स्थित है, बुध विराजमान है। बुध का मतलब है एजेंसी बिजनेस, बुध का मतलब है स्टेशनरी, बुध का मतलब है रेडियो, बुध का मतलब है सैटेलाइट कम्युनिकेशन या टेलीकॉम सेक्टर, म्यूजिक से संबंधित, स्टेशनरी से संबंधित न्यूज़पेपर, कोई भी पत्रकार, कोई भी टीवी चैनल, मास मीडिया से संबंधित कोर्सेज, ये सभी स्थितियां जो है, जो भी पत्रकार बंधु हुए वो सब के सब बुध से संबंधित है, वो सब के सब बृहस्पति से भी संबंधित है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति की दृष्टि तो 11th हाउस पर है ही है, साथ साथ में राहु भी विराजमान है, राहु भी उच्च राशि के विराजमान है, तो यहाँ पर राहु जिस भाव में होते हैं उस भाव को बलवान बनाते हैं, क्योंकि वो छाया ग्रह, उनका अपना कोई अस्तित्व है नहीं, जिस भाव में होंगे उस जैसे बन जाएंगे, वो पानी की तरह। तो यहां पर राहु भी आपको सपोर्ट करेंगे, और राहु के अंदर तो सबसे ज्यादा गुण है वो योजना बनाने का है, प्लानिंग करने का है। तो आप अपने जीवन में यदि कोई बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं तो ये राइट टाइम है आपको प्लानिंग करने का, उसको एग्जीक्यूट करने का। राहु के पास में कमाल के आइडिया होते हैं, युक्तियां होती है, आप सिंपल भाषा में यूनिक आइडियाज बोल सकते हैं, जो दूसरे नहीं सोच सकते, वो स्थितियां आपके पास में है। आपका दिमाग इस समय ज्यादा साथ दे रहा है, आपके पास में थॉट प्रोसेस ज्यादा है, आपके पास में वो स्थितियां बहुत ज्यादा मददगार बन रही है, जिसको आप सिक्स सेंस इंट्यूशन पावर बोलते हैं, गॉड गिफ्ट बोलते हैं। हर किसी को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए थॉट के रूप में ऐसा नहीं होता है, बहुत लोगों को सपने आते हैं, सपने में आइडियाज आते हैं, आपने देखे होंगे बहुत से आविष्कार हुए हैं सपने में, कोई काम के लिए, कोई आविष्कार के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे, सपने में उनको एक आइडिया आया, किसी ने उनको भाला फेंक करके मारा है, शरीर में छेद हो गया, ठीक उसी समय से उनको विचार आ गया कि ये जो सिलाई मशीन का आविष्कार है, इसमें सुई के अंदर है, यदि मैं छेद कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे। जब नेचर आपसे कुछ काम कराना चाहती है, और नेचर हर किसी को सपोर्ट नहीं देती है, जिस जो बहुत ट्रांसपेरेंट होते हैं, क्लियर हार्ट होते हैं, योग्य होते हैं, नेचर हमेशा उनको सपोर्ट करती है, वो स्थिति आज आपकी है। आप लाइन में सबसे आगे खड़े हैं तो ईश्वर आपकी झोली बढ़ने वाले हैं, इसलिए आप झोली लेकर के जाएं, वो बहुत बड़ी लेकर के जाइएगा, ताकि आने वाले कई वर्षों तक आप कंटिन्यू उस झोली में से अपना भरण पोषण करते रहें, और अपने साथ में दूसरे लोगों की भी रोजगार दें। अपना पेड़ तो हर कोई भरता है, जानवर किसी को स्टाफ नहीं रख सकता, एक सब मनुष्य में सामर्थ्य है वो स्टाफ रख सकता है, अपने अलावा दूसरों को भी रोजगार दे सकता है, दूसरों के परिवार का भी भरण पोषण कर सकता है, वो स्थिति आज आपके पास में। तो जो कैरियर की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा शानदार है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि भाग्य का अधिपति भी सपोर्ट कर रहा है, तो कर्म का अधिपति, राशि का अधिपति, ये सब कुछ आपको सपोर्ट करें, तीनों त्रिकोण की स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा बलवान है। आप देख लीजिए, पंचम भाव का अधिपति वो शनि मजबूत है, इधर भाग्य भाव का अधिपति शुक्र वो मजबूत है, राशि का अधिपति फर्स्ट हाउस उसको भी केंद्र और त्रिकोण बोला जाता है, इसका अधिपति भी केंद्र से संबंध रख रहा है। ऐसी स्थिति में तीनों जो त्रिकोण है, अर्थात केंद्र के से पहले सबसे ज्यादा मजबूत, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ जो हासिल है वो त्रिकोण को हासिल है, वो सब कुछ आपके पास सबसे ज्यादा बढ़िया है, सबसे ज्यादा शानदार है, आपने उस चीज का फायदा उठाना चाहिए। ठीक इस सेक्टर में एक और कड़ी है, पिता के सुख की, तो इस समय पिता का सुख आपको भरपूर मिलेगा, चाहे स्नेह बोल दीजिए, आशीर्वाद बोल दीजिए, और जो छोटे बच्चे हैं, जो कन्या राशि के हैं, उनकी पॉकेट मनी यदि आप थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल कर पाएं अपने पिताजी को, तो डबल हो सकती है। आप थोड़ी सी कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए कि जो मैं बोल रहा हूँ उसमें कितनी सत्यता है, आप ट्राई कीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये था राशिफल, मासिक राशिफल जून 2020 आप कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए।
हर बार मेरे बोलने के बावजूद भी लोगों के कमेंट आते हैं कि लग्न पर आधारित है, राशि पर आधारित है, भाई लोगों ये राशि पर आधारित है। जब भी राशिफल की बात आएगी तो शब्द जो आ रहा है पहले वो राशिफल आ रहा है, राशि शब्द है, जिसे आप मन बोलते हैं, जिसे आप सुकून बोलते हैं, जिसे आप सुख बोलते हैं, वो सब कुछ सबसे पहले बाई हार्ट महसूस किए जाते हैं। इसलिए राशिफल को इम्पोर्टेंस दी हुई है, इसलिए चंद्रमा को इम्पोर्टेंस दी हुई है। लग्न का मतलब तो ये है कि जब आप पैदा हुए थे तो ईस्टर्न होराइजन पर अर्थात पूर्व दिशा में जो राशि गतिमान थी वो आपका लग्न है, उसे आपको नेचर मिली, रंग रूप मिला, स्वभाव मिला। इसलिए ये जो राशिफल है ये मून साइन पर आधारित है, आपकी चंद्र कुंडली में जहां पर चंद्रमा विराजमान है वहां पर आधारित है, आपकी राशि पर आधारित है। आप इस समय काल में जो मैंने राशिफल बतलाया उसके बावजूद भी ये सिर्फ राशि पर आधारित है, और आपकी अपनी जन्म कुंडली, आपकी अपनी जन्म कुंडली जो दशा चल रही है, जो नवांश की स्थिति है या जो डिग्रियों की स्थिति है, जो नक्षत्रों की स्थिति है, वो आपके बारे में ज़्यादा बखान करेगी, ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देगी। उसके बारे में यदि जानना चाहते हैं, भविष्य में जानना चाहते हैं, झांकना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ी योजना बना रहे हैं, उस योजना की सक्सेस रेट पता करना चाहते हैं, इस समय भाग्य कितना सपोर्ट कर रहा है, कौन आपको मददगार बन सकता है, कौन सी दिशा आपके लिए मददगार बन सकती है, कौन सा तत्व आपके लिए मददगार बन सकता है, किस सेक्टर में आपको सबसे ज़्यादा गेन के मौके मिलेंगे, अर्थात कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें आगे बढ़ना चाहिए, ये सब कुछ आप जान सकते हैं अपनी जन्म कुंडली के विश्लेषण से। और ये समय ऐसा है कि ज़्यादातर स्थितियाँ लॉकडाउन में हैं और हम भी लॉकडाउन में ही फंसे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम अपना कर्म जो टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निरंतर कर रहे हैं। आप भी इस समय का फायदा उठा सकते हैं, और फायदा उठाने के लिए सिर्फ एक टाइम स्लॉट बुक करना पड़ेगा। टाइम स्लॉट बुक करने के लिए जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर या जो लैंडलाइन नंबर है, उस पर आपने संपर्क करना है। हो सके तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा तो रेस्पॉन्स जल्दी मिलेगा और रेस्पॉन्स सही मिलेगा। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।